नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी एक भिंडी की रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरे तरीके से भिंडी को बना के जरूर देखिएगा, खाने में आपको टेस्टी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी और आज के लाइक का गोल रखते 1000। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी और एक भिंडी को मैंने यहाँ पे 4 टुकड़ों में काट लिया है। भिंडी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। भिंडी में हम सबसे पहले डालेंगे नमक 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, साथ ही हम डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। अच्छे से हम सभी मसाले भिंडी में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सभी मसाले भिंडी में मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट हम रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि इसमें जो हमने नमक मिलाया है उसकी वजह से थोड़ा सा ये गीला हो जाएगा, तो अच्छे से हमारा जो बेसन का कोट है भिंडी में हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट हम इसी तरीके से छोड़ देंगे भिंडी को। 2 से 3 मिनट हो गए और भिंडी में सभी मसाले हमारा अच्छे से कोट हो चुका है, तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम ले लेंगे कढ़ाई में तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे भिंडी। गोल्डन ब्राउन हो जाने तक हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। एक बारी में बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करके गोल्डन हो जाने तक हमें फ्राई कर लेना है। 250 ग्राम भिंडी है हमारा और हम यहाँ पे 3 बैच में फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए और भिंडी का कलर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से चेंज हो गया है। हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी भिंडी को भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, भिंडी फ्राई हो जाने के बाद हम पैन में ले लेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल को हम पहले गरम कर लेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 जीरा जैसे ही फ्राई हो जाए हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। प्याज के कलर चेंज हो जाने तक हमें प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर जैसे ही हल्का चेंज हो जाए हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट 30 सेकेंड के लिए और हम फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन जैसे ही हमारा भून जाए हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, और साथ ही डाल देंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। थोड़ा सा हम डालेंगे पानी। टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है। रोटी पराठे पूड़ी किसी के साथ भी खाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी अगर आप घर पे ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टमाटर डालने के बाद मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। टमाटर पूरी तरीके से हमारा सॉफ्ट हो गया है। लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। धनिया पत्ते डाल के एक बार मिलाएंगे और डाल देंगे हम यहाँ पे फ्राई किए हुए भिंडी। भिंडी डालने के बाद हमें भिंडी को और पकाना नहीं है, नहीं तो भिंडी हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। बस गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। भिंडी डाल के हम मसाले में एक बार अच्छे से मिला लेंगे। गर्मा गर्म आप रोटी पराठे के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अच्छे से मिक्स कर दिया है।
अब हम भिंडी को सर्व कर लेंगे। और ये भिंडी देख के जितना ज़्यादा आपको टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए एक बार खाने के बाद बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप एक बार बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।